तरीके के पाठक जी। अब आप लोग जो के पाठक जी का इतना ताली बजा रहे हैं तो मुझको बड़ी खुशी हुई है। पाठक का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही नाम लिया संबोधन के दौरान कि नीचे से तालियों की गड़गड़ाहट इस कदर बजी कि मुख्यमंत्री भी हैरान हो गए। के पाठक के चयन के फैसले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इनको बनाया है, अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो लोग आपको पसंद कर रहे हैं और यही वजह है कि ये जो शिक्षक है वो तालियों से स्वागत कर रहे हैं। कई लोग हैं जो उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मंच से बिहार में शिक्षकों को नियुक्ति पद बांट रहे थे और इसी बीच वो जैसे ही बोलने के लिए उठे अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों के नाम के बाद के पाठक का नाम लिया कि बिहार भर के जो 25,000 शिक्षक आए थे वो के पाठक का नाम सुनते ही जोरदार तालियों से उनका स्वागत करने लगे। फिर क्या था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच पर बैठे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को बता दिया, तेजस्वी यादव और राजद के दूसरे नेताओं को भी चेतावनी दे दी कि के पाठक का विरोध करने वाले लोग जरा गौर से सुन ले, के पाठक ने जो काम किया है उसका गवाह इस भीड़ में शामिल ये 25,000 शिक्षकों की तालियां हैं जो बता रही हैं कि के पाठक अच्छा काम किए हैं, तभी तो इनको लोग पसंद कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर के पाठक की तारीफ वाला वीडियो तेजी से वायरल भी होने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन के साथ बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो फैसला किया उस फैसले की ताकत देखिए, जहां तमाम लोग विरोध में थे, खुद शिक्षा विभाग के मंत्री के पाठक से इस कदर नाराज हुए थे कि महीनों तक दफ्तर नहीं गए, लेकिन नीतीश कुमार अपने फैसले से नहीं पलटे, के पाठक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि खुद प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं उनको वापस विभाग जाना पड़ा था। लेकिन नीतीश कुमार के साफ शब्दों में इनकार के बाद शिक्षा मंत्री की तो बोलती बंद हो गई, लेकिन के पाठक के प्रशंसक बढ़ते गए और यही वजह है कि के पाठक लगातार अपने फैसले से बिहार के शिक्षकों को चेतावनी तो देते रहे लेकिन पाठक के फैसले की वजह से ही वो बिहार के लोकप्रिय अधिकारी बने। सुनिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से के पाठक की तारीफ कर रहे हैं मंच से और नीचे 25,000 जो टीचर हैं वो किस तरीके से उनका ताली बजाकर स्वागत कर रहे हैं। श्री के पाठक जी, अब आप लोग जो के पाठक जी का इतना ताली बजा रहे हैं तो मुझको बड़ी खुशी हुई है कि जब हम किसको बनाए हैं और कोई कोई बोलते रहता है बिना मतलब का बात, ठीक नहीं है कि अब देखिए आप सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है तब तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा, ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरिमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। पैनोरिमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। तो ई होम्स पैनोरिमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।